ईशान की महिमा का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों में उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्वरूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्व रूपा सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व यज्ञोपवीत विश्व का ही सिर पर उष्णीष धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व मातामह हैं। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन से आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर हैं, उनका यथाविधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की, हे ईशान महादेव, ओम आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर वृषवाहन आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्म स्वरूप, हे शिव, हे सदा शिव आपको नमस्कार है। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्योजात आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले भी नहीं हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल आपको नमस्कार है। हे विक्रान्य, हे कालवर्ण्य, हे बल को मंथन करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे कामदेव का मंथन करने वाले देव आपको नमस्कार है। हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप, काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इस स्तोत्र से जो वृषभ ध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है, वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस स्तोत्र के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह विश्व रूप जो गौ अथवा सरस्वती है, वह कौन है, यह जानने की इच्छा है। यह भगवती चार पैर वाली, चार मुख वाली, चार दांत वाली, चार स्तन वाली, चार हाथ वाली, चार नेत्र वाली, यह विश्व रूपा कौन है, यह किस नाम की है तथा किस गोत्र की है। उनके इस वचन को सुनकर देवोत्तम वृषभ ध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, यह जो कल्प है उसको विश्व रूप कल्प कहते हैं। यह सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टि वर्धक है। यह परम गोपनीय है। आधी सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। यह ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है, उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा बैकुंठ से भी शुद्ध मेरे वामांग से उत्पन्न यह 33वां कल्प है। हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मांडव्य गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से आप में योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्म, अहिंसा, सम्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विद्या, मति, गृति, कांति, नीति, प्रिथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठित हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संख्या वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती देवी है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, प्रकृति है तथा गौर रूप है। वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है, तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं। वह अजन्मा है, लोहित है, शुक्ल कृष्ण है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, अज तो मैं ही हूँ और उस विश्व रूपा गायत्री
गौ स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्श्व द्वारा सर्व रूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम के कुमार उत्पन्न किए। वे सभी महान तेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में करने वाले कुमार रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए, अर्थात उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए।